हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ सी टेट और यूपी टेट के लिए हिंदी की क्लासेस। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है सर्वनाम। इसका सेकंड पार्ट है। ये जो हमारी क्लास है वो ट्रिक बेस्ड है और ये माई 12th क्लास है। डेली हमारी क्लास होती है शाम के 6 बजे और हमारे चैनल पे कई सारी क्लासेस सी टेट यू पी टेट कंप्यूटर NCERT नोट्स कई सारी क्लासेस हो रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सर्वनाम बताया है, सर्वनाम के टाइप्स बताए हैं। सर्वनाम के बारे में मैंने ये बताया था जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर संज्ञा की आवृत्ति हमको नहीं करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। और इसके हमने टाइप्स बताए थे, तो हमने इसके 6 टाइप्स बताए थे सर्वनाम के। ठीक है, जिसमें तो 2 मैंने करा दिए हैं। आज हमारा तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चय करा दिया था और पुरुषवाचक करा दिया था। तो अनिश्चय क्या होता है, अनिश्चय के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है कोई, कुछ और किसी। अगर आपसे पूछे जाए जिनमें कोई, कुछ, किसी हो तो कौन से सर्वनाम होंगे, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। बात करते हैं यहाँ पे कोई और किसी, ये प्राणीवाचक होते हैं। ठीक है, कोई और किसी जो होते हैं प्राणीवाचक होते हैं। देखो, कोई जो होता है अक्सर प्राणीवाचक होता है और किसी जो होता है, किसी और कोई, ये दोनों सजीव के लिए यूज करते हैं। किसी और कोई किसके लिए यूज करते हैं, सजीव के लिए। और कुछ जो होता है हम किसके लिए यूज करते हैं, वस्तुवाचक, मतलब निर्जीव के लिए हम यूज करते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वाक्य लिखा हुआ है, यह राधा का पेन है, ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये कौन सा सर्वनाम है आपको बताइए, आप कमेंट करके बताइए कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। तो यह जो होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था यह और वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये यह तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। कारक जो का जो है हमारा कारक चिन्ह है, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो फिर यहाँ पे जो होगा पर वो हम कहेंगे संबंधवाच, संबंध दिखाता है का शब्द, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि कारक चिन्ह कभी संबंधवाचक नहीं होता है। मतलब कारक चिन्ह जो होता है वो संबंध के लिए संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें यह आया है और का आया है, इसलिए ये संबंधवाचक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो लिखा है, जो करेगा वो भरेगा। ठीक है, जो करेगा वो भरेगा, यानी जो करता है वही भरता है। एक संबंध दिखाया गया है, जो करता है वही भरता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताने वाले जो शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और को, मतलब इस वाक्य का जो संबंध है इस वाक्य से है, और संबंध कौन बता रहा है, जो और वो, तो ये हमारे क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, जो कि ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो वे प्रश्नवाचक होंगे। ठीक है, और यह भी कह सकते हैं का व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो अधिकांश शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। मतलब का से जो स्टार्ट होते हैं, जैसे कब, क्या, कौन, कैसे, ये हमारे क्या होते हैं, सब का से स्टार्ट होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। हमारा नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है, तो निजवाचक सर्वनाम हमारा होता है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, तो हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम हमारे होते कौन कौन से, ये देखो, स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे हमारे क्या हैं, निज के लिए यूज होते हैं, मतलब अपने के लिए यूज होते हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने प्रकार के लिए ट्रिक क्या बताई थी, हमने सर्वनाम के प्रकार के लिए ट्रिक ये बताई थी, एक पुरुष
एक पुरुष नीच, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में, ठीक है, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया। तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, निश्चय हो गया और निश्चय हो गया। इस तरीके से हमारी ट्रिक हो गई थी, जैसे हमने प्रकार के लिए बताई थी सर्वनाम के प्रकार के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया पढ़ाएंगे, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, साथ में क्लासेस भी हो रही हैं, लेक्चर क्लासेस भी हो रही हैं, और कंप्यूटर की, करंट अफेयर्स की, संविधान की, एनसीईआरटीज़ की कई सारी क्लासेस हो रही हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाइएगा।